यूफर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वक्त हो चला है आपकी अब तक की प्रमुख हेडलाइंस का, तो शुरुआत करते हैं क्या रहा आज जम्मू कश्मीर में। आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे पूरे ही जम्मू व कश्मीर राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज में आज टीचर्स डे का बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम किया जाता है। इसके अंदर जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स आज जो है काफी किस्म के जो है प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जम्मू व कश्मीर के 4 अनुभवी टीचर्स को नेशनल अवार्ड्स के साथ भी जो है नवाजा गया है, जिनमें कश्मीर के 2 टीचर्स और जम्मू के भी 2 टीचर्स हैं जो कठुआ के रहने वाले हैं। दूसरी हेडलाइन की बात करें तो इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आज एक ऐलान किया और कहा कि जोहरा की हर किस्म की मदद करेंगे वो और जोहरा की सभी सपने पूरे करेंगे। जोहरा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI अब्दुल रशीद को बड़े ही बेरहमी के साथ आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में अनंतनाग में शहीद कर दिया गया था। जोहरा उसी शहीद पुलिसकर्मी की बिटिया है। तीसरी हेडलाइन की बात करें तो आज जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 8 गाँव में सर्च ऑपरेशन किया गया। इन 8 गाँव के नाम है इमाम साहिब, नागबल, पुरबरा, द्राबो, होमहुमा, हुसारपुरा, नोई पोशरा। चौथी हेडलाइन की बात करें तो चोटी कटने की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ जम्मू के आसपास के इलाकों में इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, वहां अब कश्मीर में भी एक इसी तरह की चोटी कटने की घटना सामने आई है। ये वारदात कश्मीर के कोकरनाग इलाके की है, जिसमें कल रात देर शाम एक ये घटना जो है सामने आई। पांचवी हेडलाइन की बात करें तो 10 दिन से चल रहा गणेश महोत्सव का आज जो है समापन हुआ। 10 दिनों से जो लोगों ने अपने घरों में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहे थे, आज जम्मू की सूर्यपुत्री तविशी में उसका विसर्जन किया और अखनूर के चनाब रिवर में भी उसका विसर्जन किया। तो ये थी आज की 5 प्रमुख हेडलाइन। आप बने रहे यू फॉर यू वॉइस के साथ।